去，回家吧。अब तुम सबके सब मरोगे, कोई जिंदा नहीं बचेगा। अमन, सबको मार दूंगा। अमन, ये क्या कर रहे? अमन, उसकी हालत देखो, उसे अस्थमा अटैक आया, हमें उसे पंप की जरूरत है, समझो बात को, वो मर जाएगी। जी सर, जा, जी सर। अमन तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, मुझे गोली मारो और ये तमाशा खत्म करो प्लीज, उसे छोड़ो। हमारी तेजू को कुछ नहीं होगा, प्लीज उसे छोड़ दो। अमन साक्षी, साक्षी, अमन उसकी हालत देखो, अमन प्लीज उसे जाने दो, मर जाएगी। साक्षी, फतेह, फतेह, फतेह। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ दूँ, उसे जोड़ दूँ। साक्षी, चल, 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 रुक, 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 रुक। किसी ने हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है और तुम्हारा चेहरा भी पहचान लिया हमने। अब तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, जिंदा रहना चाहते हो तो सरेंडर कर दो। मारोगे ना, मार दो, लेकिन उससे पहले ये 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 सबको मार दूंगा मैं, सबके सब मरेंगे, मार दूंगा सबको। अगर आप सबको सेफ देखना चाहते हो तो प्लीज चले जाइए यहाँ से, चले जाइए, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सच में सबको सेफ देखना चाहते हैं तो चले जाइए। सर प्लीज, मैम की बात मान लीजिए, जैसा वो कह रही है वैसा कर लीजिए प्लीज सर। जब तक फतेह नहीं आएगा मैं बाहर नहीं आऊंगा, मुझे सिर्फ फतेह चाहिए। ठीक है, हम हट रहे हैं, लेकिन याद रखना किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आप अंदर ही जाइए, पुलिस है अंदर, पुलिस है अंदर। अमन मेरी बात सुनो, तुम्हें पुलिस कुछ नहीं कहेगी, मैं खुद बात करूंगी, तुम प्लीज इन बच्चों को जाने दो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, मुझे मुझे यहाँ रोक के रखो, मैं यही रुकूंगी, तुम्हारे साथ हूँ, प्लीज इन बच्चों को जाने दो। मैं इसके पास गन है, हमें होशियारी से काम लेना होगा। स्टॉप, जब तक पता नहीं आ जाता बस तुम इन्हें जाने दो अमन, और पुलिस की टेंशन मत लो, मैं बात करूंगी। भागो जल्दी, कहाँ रह गया तेरा पति? सर वो मैम के साथ खेला सर, सर मैम को बचा लीजिए सर प्लीज सर, सर वो लड़का पागल है सर, वो मैम के साथ सर कुछ भी कर सकता है सर प्लीज सर, मैम को बचा लीजिए सर। आप कुछ करते क्यों नहीं? फतेह वीरे,
अमन एक बार बात सुन, लास्ट टाइम अमन देखो किसी और का नहीं अपनी मम्मी के बारे में सोचो अमन, वो तुमसे कितना प्यार करती है, तुम्हारे लिए कितना परेशान रहती है, तुम्हें मेरे पास लेकर आई थी क्यों, ताकि मैं तुम्हें एक अच्छा डायरेक्शन दे सकूं, राइट? अमन ये जो तुम कर रही हो ना ये गलत है, तुम्हें सजा भी हो सकती है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं पुलिस से बात करूंगी और जितना हो सकेगा तुम्हें कम से कम सजा मिलेगी, प्लीज अमन। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा बचपन बहुत मुश्किल में गुजरा है, तुमने बहुत कुछ देखा है, लेकिन ये सब करने से कुछ सही नहीं होगा, तुम्हारा फ्यूचर भी खराब हो जाएगा। आराम से मेरी बात को सोचो अमन, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही हूँ, आई प्रॉमिस तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं बात करूंगी सबसे, प्लीज ये गन फेंक दो, ये अच्छी चीज नहीं है अमन, प्लीज इसे फेंक दो। प्लीज इसे मुझे दे दो। अमन मुझे दो ये, रुको। डॉक्टर साहब तेजो, शी इज फाइन नाउ, गोली बाजू को लगकर निकल गई है, नथिंग सीरियस, और ट्रॉमा की वजह से वो बेहोश हो गई थी। मैं मिल सकता हूँ उनसे? एक आदमी कोई भी उनको जाकर मिल सकता है, और चाहे तो आप एक दो घंटे के बाद उनको घर भी लेकर जा सकते हैं। थैंक यू। ओके।
तुम रो क्यों रहे हो फतेह? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम रो क्यों रहे हो? डॉक्टर्स ने भी कहा है ना कि गोली सिर्फ हाथ को छूकर निकली है, और वैसे भी इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मिला मुझे, उसे छोड़ के इतनी जल्दी नहीं मरने वाली मैं। माता रानी ने मेहर की, मेरी बच्ची ठीक होके घर आ गई। ले पुत्र, हल्दी वाला दूध पी ले, इससे तुझे जल्दी आराम आ जाएगा। मम्मी आप रो क्यों रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रब ना करे तेरे कुछ हो पुत्र, कुछ नहीं हो सकता तुझे। ओ जी, मेरी बच्ची तो शेरनी है, शेरनी, इसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। हाँ। पता है तेजू दीदी, मुझे आप जैसा ब्रेव बनना है। सारा खानदान तो पहुंच गया, मगर इनका खानदानी चिराग कहाँ रह गया? उस दिन तो पार्टी में मुंह उठाकर चली आई थी, आज कहाँ चुपके बैठी? मेरा मतलब है दीदी, जैस्मिन बहन है इसकी, और उस वक्त तो वो भी कॉलेज में ही होगी, उसे पता होगा ना सब कि तेजो के साथ क्या हुआ। मेमो, ये वक्त ये सब बातें करने का नहीं है। लेकिन पुत्र, वो लड़का था कौन और चाहता क्या था वो? धमकी दे, चल निकल, जाने। अंकल जी, पता नहीं, थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा था, किसी को कुछ भी कर सकता था, बट थैंक गॉड हम में से किसी को कुछ नहीं हुआ। तेजो, तेजो, रब का लाख लाख शुक्र है, तो ठीक है। तुझे पता कितना घबरा गई थी मैं, तुझे कुछ हो जाता तो। अरे ऐसे कैसे कुछ हो जाता, बाबा जी का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ है। मेरे ख्याल से तेजो को रेस्ट करना चाहिए। हाँ पुत्र, ले जा इसको अंदर। जो भी पूछेंगे ना, मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ, बस तेजो के सामने कुछ मत बोलेगा।
तुझे तुम ठीक हो, तेजू ठीक है, प्लीज कॉल। ब्लूटिक, फतेह ने मेरे मैसेज सीन करने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मत करो मेरी इतनी केयर। देखो, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तुम मेरी केयर करो। बहुत बुरा हूँ यार मैं। पते? नहीं यार तेजो, मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया, और आज जब तुम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में थी, मैं तब भी तुम्हारे साथ नहीं था। मेरी वजह से तुम्हारी जान खतरे में पड़ी। I'm really sorry तेजो। पते? इसमें तुम्हारी क्या गलती? मेरी गलती है यार, मेरा फोन ऑफ था। यहाँ देखो, अच्छा हुआ तुम्हारा फोन ऑफ था, क्योंकि अगर तुम्हारा फोन ऑफ नहीं होता और तुम वहां आ जाते तो पता नहीं वो अमन क्या कर बैठता। तुमने सही कहा था, मुझे अमन से एकेडमी में इतना रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए था। अब जो हो गया सो हो गया फतेह। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। इट्स ओके, बस आगे से ख्याल रखना। Really sorry, तेजो, मैं दोबारा इतनी बड़ी गलती नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज जो भी हो उसके बाद फतेह और तेजो करीब आ जाएंगे?